आपके साथ अनवी सूद, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कभी रेलवे स्टेशन पर गाने गाकर गुजारा करने वाली सोशल मीडिया सेंसेशन रानू मंडल के सितारे इन दिनों बुलंदी पर हैं। रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर फेमस हुई रानू को हाल ही में हिमेश रेशमिया ने अपनी आने वाली फिल्म हैप्पी आदि एंड हीर में गाने का मौका दिया और अपने स्टूडियो में गाना गवाया। रानू के फेमस होने के बाद ऐसी कई अफवाहें भी फैली जो झूठी निकली, तो चलिए बताते हैं आपको इन अफवाहों का सच। नंबर वन, लता मंगेशकर का गाना प्यार का नगमा गाने के बाद रानू काफी चर्चा में आ गईं। इसके बाद हिमेश के साथ गाना गाकर रानू ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। इस बीच खबरें आईं कि सलमान खान ने रानू मंडल को आलीशान घर गिफ्ट किया जिसकी कीमत लगभग 55 लाख रुपए है। यही नहीं, उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म दबंग 3 में गाने का भी उन्हें ऑफर दिया है। लेकिन रानू मंडल के मैनेजर अतिंद्र चक्रवर्ती ने इस बात पर खुलासा करते हुए बताया कि ये सब झूठी खबरें हैं। मुझे इस तरह की अफवाहों को लेकर कोई फोन कॉल्स आए हैं, लेकिन ना तो सलमान खान ने उन्हें घर गिफ्ट किया है और ना ही कोई ऑफर दिया है। असल में रानाघाट स्थानीय प्रशासन ने रानू मंडल को घर दिया है। नंबर टू, हिमेश रेशमिया की फिल्म हैप्पी हाडी एंड हीर में जब रानू मंडल ने तेरी मेरी कहानी गाया तो उस गाने की रिकॉर्डिंग का वीडियो हिमेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। उसके बाद रानू को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें आने लगी कि रानू को हिमेश ने इस गाने के लिए लगभग 6 से 7 लाख रुपए ऑफर किए, लेकिन रानू ने ये पैसे लेने से इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि इसके बाद हिमेश ने रानू को जबरदस्ती पैसे दिए और कहा कि बॉलीवुड में तुम्हें सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फीस को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस तरह से ये खबर भी झूठी साबित हो गई। नंबर थ्री, इसके बाद रानू मंडल के तेरी मेरी कहानी का जब वीडियो वायरल हो रहा था तो इसी गाने को लेकर सलमान खान का भी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें दावा किया जा रहा था कि सलमान खान रानू का गाना सुनकर रो पड़े। दरअसल फेसबुक पर रानू मंडल नाम के एक अकाउंट से वीडियो शेयर किया गया था जिसमें कैप्शन में लिखा था कि रानू की आवाज़ सुनकर सलमान खुद को संभाल नहीं पाए और रोने लगे। इस वीडियो में सलमान के साथ कई लोग नजर आ रहे हैं और टेबल पर एक फोन रखा हुआ है और बैकग्राउंड में रानू का तेरी मेरी गाना चल रहा है। लेकिन ये वीडियो सलमान की रेस 3 के वक्त का है और ये असली नहीं, मतलब ये अफवाह भी झूठी निकली। नंबर फोर, इन्हीं अफवाहों के बीच ये भी खबर आई कि रानू मंडल ने 15 लाख का घर खरीदा है। रानू ने 15 लाख की कार खरीदी है, ये भी झूठी खबर है। रानाघाट स्थानीय प्रशासन ने रानू मंडल को घर दिया है और उन्होंने कोई कार नहीं खरीदी है। नंबर फाइव, हाल ही में सुनने में आया था कि सलमान के शो बिग बॉस 13 के लिए रानू मंडल को ऑफर मिला है और वो इस बार शो का हिस्सा बनेंगी, तो वही रिपोर्ट्स की माने तो ये खबर झूठी बताई जा रही है। दरअसल उनके मैनेजर अतिंद्र चक्रवर्ती का कहना है कि तेरी मेरी कहानी गाना गाने के बाद से ही रानू को बॉलीवुड से लेकर साउथ की फिल्मों में गाने के लिए ऑफर आ रहे हैं। तो देखा आपने, जब से रानू ने अपने गाने को लेकर पॉपुलैरिटी हासिल की है तभी से ऐसी कई अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। बता दें कि म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया के साथ रानू ने एज अ प्लेबैक सिंगर बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया है और अब रानू ने 3 गाने रिकॉर्ड किए हैं। वैसे रानू मंडल की आवाज़ कैसी लगती है आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।